शौर्य और अनोखी। दोस्तों टेलीविजन पर शौर्य और अनोखी ने राज किया है, जी हाँ, और अब वो हमारे दिल को फिर से छूने के लिए, हमारे दिल में फिर से राज करने के लिए मुबारक हो लेकर आ रहे हैं। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मुझे एक्चुअल में देबात्मा और एक्चुअल में करणवीर शर्मा दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी कि शौर्य और अनोखी की ये जो दास्तां थी, ये जो कहानी थी, मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं करे। इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों की बातचीत, इन दोनों का जो बिहेवियर पैटर्न था या जिस तरीके से ये एक दूसरे को देखते थे, सच में यार पार्ट टू का इंतज़ार है। अब वो आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेकर्स ने सोच लिया कि क्यों ना इस केमिस्ट्री को, इतनी अच्छी जोड़ी है, राम मिलाए जोड़ी है, तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करें। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शौर्य और अनोखी यानी करणवीर और देबात्मा साहा दोनों ही मिलकर एक गाने में आ रहे हैं जो कि है मुबारक हो। जी हाँ, ये गाना तो वैसे मुबारक हो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फन टाइप का होगा, जैसे बधाई हो बधाई टाइप्स का होगा, लेकिन 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 यहाँ पर दोस्तों मुबारक हो में हम देखते हैं कि करणवीर शर्मा लेकर आ रहे हैं गुलदस्ता, और यहाँ पर उनकी लवर यानी कि देबात्मा जो किरदार निभा रही है अनोखी, वो जो है सच धज के हीरोइन बन के खड़ी है, मतलब कि वो दुल्हन बनकर खड़ी है। तो इसका मतलब क्या वो एक दिल जले आशिक की तरह वहाँ पे मिलने जा रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं। शौर्य अनोखी जब भी हम दिमाग में आती है तो यही हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ रोमांटिक एंगल होगा, कुछ ना कुछ इनकी नोकझोंक होगी। तो ऐसा ही कुछ टाइम से म्यूजिक वालों ने ही सोचा होगा और इसीलिए इस गाने को प्रोड्यूस किया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो टाइम्स म्यूजिक में इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है और क्या गज़ब लग रहा है, मुबारक हो, और इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पर एक जो मुझे डाउट हो रहा है, डर लग रहा है, वो ये लग रहा है कि यार ठीक है ये गाना तो निकाल रहे हैं 14 तारीख को, वैसे ट्रैफिक तो पूरा बिजी कहीं और होगा। कहाँ बिजी होगा? तेज रंग की बारिश में होगा, बारिश आ गई में होगा। अब बस ये थोड़ा सा अपना गाने को उनकी रिलीज़ के 2-3 घंटे बाद या उनसे पहले या ऐसे कुछ करें, क्योंकि साथ में करेंगे तो दोनों को लॉस हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्टिकुलर व्यूज़ के मामले में। खैर इवेंचुअली यहाँ पर इनकी भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तेज रंग की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो दोनों ही अच्छे जाएंगे गाने। आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट, बट लेकिन ये गाना दिल को छूता है एंड आई ट्रस्ट मी आई जस्ट वेटिंग फॉर दैट। 14th को रिलीज होने वाला है, लेट्स सी। सो आपको क्या है कहना जरूर बताइएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।